नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह निराला कंस्ट्रक्शन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल नया चीज़ दिखाने जा रहा हूं और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ नया चीज़ें दिखाता रहूं, जिससे आप लोग हाउस कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में सबसे आगे रहे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक शेप का कॉलम के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर घर का निर्माण किया जा रहा है और उसके बाहरी साइड में आप देखेंगे बिल्कुल फ्रंट की तरफ एक हाउस एंट्रेंस पॉइंट 16 फीट बाई 7 फीट में बनाया जा रहा है, जिसमें आपको दो कॉलम आसानी के साथ देखने को मिल रहा है। और ये कॉलम है ये दोस्तों अपने आप में खास है, क्योंकि इस कॉलम को एक स्टेप में बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस टाइप का कॉलम आप बहुत ही कम देखे होंगे या फिर ये भी पॉसिबल है कि अभी तक नहीं देखे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर को एक अच्छा लुक देना चाहते हैं, सबसे अलग दिखाना चाहते हैं, तो आपको कुछ काम भी वैसे ही कराने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस टाइप का कॉलम का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो घर का लुक है वो अगल बगल का जो घर है उससे काफ़ी डिफरेंट होगा और आपका एक अलग पहचान भी बन सकती है। तो देखिए, यहाँ पे एक शेप में बनाया गया ये कॉलम हाउस एंट्रेंस पॉइंट में। इसके बारे में सारा जानकारी दूंगा मैं आपको, रेनफोर्समेंट से लेकर कैसे इसका शटरिंग किया गया है और उसके साथ साथ साइज़ क्या है, सारा डिटेलिंग अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। बहुत ही यूनिक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। तो देखिए, इस कॉलम की शुरुआत होता है नीचे से प्लिंथ बीम के। ऊपर से बात किया जाए तो देखिए, यहाँ पर दो कॉलम निकाला गया है और बिल्कुल जैसा एक्स लिखते हैं हम लोग डब्ल्यू एक्स, उसी टाइप का देखेंगे ऊपर में डिज़ाइन निकाला गया है। और खुशी की बात यह है कि इस घर का डिज़ाइनिंग मैंने किया था, इसका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल शुरुआती दौर में, जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा वैसे वैसे मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताते रहूँगा। इसके ऊपर में जब स्लैब की ढलाई होगी तो आसानी के साथ इस पर ढलाई किया जाएगा और हाउस एंट्रेंस पॉइंट का आगे में बहुत ही खूबसूरत आपको एक डिज़ाइन देखने को मिलेगा आने वाले दिन में। अब बात कर लेते हैं कि ऊपर में रेनफोर्समेंट का क्या यूज़ किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जैसे आम कॉलम बनाया जाता है ना 9 इंची बाई 9 इंची का, उसी टाइप का इसे बनाया गया है। और बात किया जाए इसका रेनफोर्समेंट का, तो आप देख सकते हैं कि 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। कॉलम का साइज 9 इंची बाई 9 इंची का है, या फिर बोले तो 10 इंची बाई 10 इंच का भी इसको आप बोल सकते हैं, प्लास्टर के बाद 10 इंची का हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे प्लाईवुड की मदद से इसे बनाया जा रहा है और जैसे आप सिंपल करते हैं शटरिंग कॉलम का, वैसे ही इसका शटरिंग होता है। आप देख पा रहे हैं कि एक जो प्लाईवुड है वो लगा हुआ है, वैसे ही दोस्तों आपको चारों साइड से लगा लेना होता है और उसको बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं कि एक शेप का बिल्कुल दोस्तों अच्छे आपको डायमेंशन के साथ इसे मिलाना होता है। कहीं देखिए, दो कॉलम है तो बिल्कुल यहाँ पे भी सेम साइज़ होना चाहिए। जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है, दोनों सेम साइज़ का ही होना चाहिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम डिज़ाइन का और सेम साइज़ का यहाँ पर कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, आप भी इस घर के आने वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपके कोई हित संबंधी घर बना रहे या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो उन तक भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ताकि उनका भी हेल्प किया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।